अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? इस वक्त सर जहाँ रहे जी खुश रहे। आज जो है मैंने सोचा आप लोगों से कुछ ऐसे नेल पेंट शेयर करूं जो बहुत ही कूल से हैं और आप कोई भी ड्रेस निकालेंगे ना उनके साथ इसका शेड मिल रहा होगा। यानी आप लोगों को इतने ज़्यादा नेल पेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर पेंट ऐसे हैं, अगर आपने रेड सूट पहना है तो इसका रेड शेड उस रेड के साथ आपके रेड ड्रेस के साथ मैच कर जाएगा। आपका पर्पल सूट पहना है उसका जो शेड पर्पल है आप लोगों के ड्रेस के साथ मैच होगा। उससे ये वाले नेल पेंट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए थे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर कोई लेना चाहता है तो साथ साथ मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगी, आप लोग ले सकते हैं। इजीली आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और इनके जो है शॉप पे भी जाएंगे तब भी मिल जाएंगे। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वन बाय वन मैं आपको कलर्स भी दिखाती हूँ, उसको लगा के भी दिखाती हूँ। और उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया करें ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना नेल पेंट। ओके जी, जो सबसे पहला कलर है वो ये वाला है, इसको मैंने अभी लगाया भी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट सा कलर है, समर विंटर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, इसका जो शेड है वो 011 है। अगर आप लोग लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसकी लुक जो है वो लगा के कुछ इस तरह से है, बहुत ही सॉफ्ट सा कलर है और हर ड्रेस के साथ जो है ना वो अच्छा लगता है। ठीक है जी, चलें जी सेकेंड देखते हैं। सेकेंड कलर है वो ये वाला है और इसका जो शेड है वो है 007 और बहुत ही खूबसूरत शेड है, समर में तो बहुत ही प्यारा लगता है ऐसा शेड है। अच्छा, इन कलर्स की खास बात मुझे जो लगी है, अगर आपने इससे इसको कलर को थोड़ा सा डार्क करना है, आप दूसरी दफ़ा ब्रश इसको ड्राई करने के बाद करेंगे ना तो ये और डार्क हो जाएगा। मतलब आपकी अपनी चॉइस, आप इसको थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं, थोड़ा सा डार्क रखना चाहते हैं। मैंने एक ही ब्रश अभी किया है और इसको मैंने ड्राई कर रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाने थे, वन बाय वन लगा रही हूँ और इसलिए मैंने सोचा बस एक ही ब्रश काफ़ी है। और बहुत ही खूबसूरत शेड है, ये देखें अभी प्रॉपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये वाला ही शेड नज़र आ रहा है असल में जो है ना, ये वाला देखें एग्जैक्ट वही शेड इसने दिया है फर्स्ट ब्रश में ही। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लगाते हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट जो कलर है वो इस तरह का है, ये पर्पल भी नहीं है, डार्क पर्पल भी नहीं है, लाइट पर्पल भी नहीं है, मिक्स का उसका शेड है। बहुत ही खूबसूरत शेड आ रहा है और इसका जो कलर है वो 021 है, थोड़ा सा मिटा हुआ है, 021। ठीक है, अच्छा ये लगा के बहुत ही, मैं एक मिनट इधर से आप लोगों को दिखाती हूँ, ये लगाया है मैंने। ठीक है, बहुत खूबसूरत इसका शेड आ रहा है। ठीक है, ये शेड जी जिनको लाइट कलर्स पसंद है उनको तो ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस कलर की खास बात ये है कि ये हर तरह के हाथ पे खूबसूरत लगता है, चाहे आप किसी भी एज के हैं ना, और कोई भी कलर आपका है, मतलब कलर है, उन सब पे ये बहुत खूबसूरत लगता है। पाँव पे लगाएंगे, हाथों पे, ये इतना खूबसूरत कलर है, सॉफ्ट सा बिल्कुल कलर है। और 018 इसका शेड है और ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। और अच्छा, मैंने इसका एक अभी ब्रश किया है, आप चाहें तो दो ब्रश करें क्योंकि मैं वन बाई वन लगा रही हूँ, इसलिए लगा के उतार रही हूँ जल्दी से, तो इतना नीट भी नहीं लगा, लेकिन इसका शेड जो है ना बहुत खूबसूरत है। कलर्स हैं ये सारे कलर्स वो हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। अगर आप लोगों की शादी होने वाली है या आप लोग कलर्स नेल पेंट के ख़रीदना चाहते हैं तो ये नेल पेंट कलर्स लाजमी ख़रीदें, काफ़ी अच्छे हैं, रीज़नेबल हैं जी। ये शेड भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये ऑरेंज कलर है लेकिन बिल्कुल ब्राइट ऑरेंज नहीं है और ना ही बिल्कुल डल है, ये बहुत ही सॉफ्ट सा ऑरेंज है, बहुत ही खूबसूरत लगता है लगाए हुए। और इसका नंबर है 222 और आप ऑरेंज का शेड कोई भी पहनेंगे ना उसके साथ ये एग्जैक्ट जाएगा। अच्छा, ये मैंने लगाया है कलर और ये इसके साथ ये मैंने मिक्स करके लगाया और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। ये जो आपको पहले मैंने सेकेंड नंबर पर नेल पेंट दिखाई थी ना उसके साथ ये मिक्स करके लगाया और ये बहुत ज़्यादा ना ज़बरदस्त सी लुक आ रही थी इसकी, इस लुक है। चलें जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सारे कलर्स हों और पिंक ना हो, ये पिंक बहुत ही ठंडा सा कलर है। ये इसका नंबर है 037 नंबर है इसका और ये है इसकी लुक, ये लगाए हुए, ये देखें। इसमें एक लाइट पिंक था वो भी बहुत खूबसूरत था, वो उस टाइम मुझे ऑनलाइन मिला नहीं था। तो बाकी ये इसकी लुक है, बहुत ही खूबसूरत शेड है और बहुत ही लगाए हुए ना कूल सा लगता है, समर में स्पेशली ये कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है आप किस। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कलर भी बहुत खूबसूरत है और इसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये आप कोई भी ड्रेस पहनेंगे ना उसके साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगा और मेरा फेवरेट कलर है इनमें से एक है ये।
और ये इसकी लिड से भी आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसको कितना यूज़ किया है। इसका जो नंबर है 091 है और ये लगाते हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है और ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा ये वाला कलर। अभी नीट नहीं लगी लेकिन इसकी लुक बहुत खूबसूरत है। मुझे ये पर्सनली ये वाला कलर बहुत पसंद आया था, पहले मैंने यही ख़रीदा था और एक और लिया था, दोनों मुझे कलर पसंद आए थे, फिर मैंने और ऑर्डर किए थे इनके। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं जी। जो मोस्ट डेंजरस कलर है और मोस्ट वांटेड कलर है वो है जी रेड कलर। अच्छा, रेड का ये थोड़ा सा ऑरेंज थोड़ा सा इस तरह का मिलता जो मिक्स सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन रेड आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो रेड पसंद है आप वो ले सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा था, मैंने ये लिया। 089 नंबर है और ये वाला बहुत ही खूबसूरत कलर है। मैंने एक इसको नेल पर लगाया क्योंकि आप लोगों को पता है जब रेड नेल पेंट उतारते हैं या रेड लिपस्टिक को आगे पीछे करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा जो है मैस क्रिएट करती है। तो मैंने सोचा इसको सिर्फ एक ही नेल पेंट पे लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। हर कलर एग्जैक्ट आ रहा है जो उसके बॉटल के अंदर है। ठीक है जी, बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कलर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया करें तो ज़रूर उसको शेयर भी किया करें उनके साथ। इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और बाकी ये हैं कलर्स 1 by 1, ठीक है जी इनके।